अगर साहब ये चाइना ने जो स्टिमुलस पैकेज दिया है, इसका कुछ का खास फर्क पड़ेगा? इसका क्या मतलब है हमारे लिए, दुनिया भर के लिए? अनिल जी, वेडनेसडे को जो अनाउंसमेंट आई थी, उन्होंने एक 19 पॉइंट प्रोग्राम बनाया, उसका 1 ट्रिलियन युआन था। बट आज जो रिपोर्ट्स निकल के आ रहे हैं, ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की एक घंटा पहले, जो उन्होंने सब ये 19 पॉइंट्स में सारे मोनेटाइजेशन उसका निकाला, तो 1 ट्रिलियन डॉलर है। तो आपके शब्द बिल्कुल सही है, $1 ट्रिलियन बनता है पूरा पैकेज अगर देखा जाए। उसमें ग्रीन एनर्जी है, उसमें पावर ट्रांसमिशन है, 200 किलोमीटर की एक वाटर टनल बना रहे हैं, तो जिस दरिया में ज्यादा पानी है वहां से ये नॉर्थ में अपने डेजर्ट एरियाज में पानी लेके जाएंगे। 200 किलोमीटर लंबी एक वाटर टनल बनाई जा रही है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत फोकस है। और जैसा हम कहते आए हैं पिछले साल से, उम्मीद थी कि फरवरी तक इस साल एक स्टिमुलस पैकेज चाइना लेके आ जाएगा, बहुत देर करी इन्होंने, बट ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। इससे मेटल स्टॉक्स को काफी आप देखेंगे यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, तो कमोडिटीज के लिए पॉजिटिव है, ग्लोबल ग्रोथ के लिए पॉजिटिव है। चाइना में काफी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, तो चाइनीज कंजम्पशन जो स्टॉल हो रही थी, रिटेल कंजम्पशन, उसके लिए भी पॉजिटिव रहेगा। हमारा अंदेशा यही था कि नवंबर की बैठक से पहले जरूर ये कुछ लाएंगे, फील गुड फैक्टर करेंगे। तो ये दिखाता है कि अगर चाइना एंगेज करना चाह रहा है और तो बहुत पॉजिटिव है, और जंग के जो बादल हैं वो थोड़े महीनों के लिए ढल जाते हैं। बट ये अब वेन का इशू नहीं है, ये इफ का इशू है ताइवान का। होना तो ये है, अब ये होगा 2-3 साल के बाद के अगले साल, वो देखने की बात रहेगी। बट अभी ये पॉजिटिव रुझान देता है कि चाइना एंगेज कर रहा है वेस्ट के साथ, अमेरिका के साथ, बहुत पॉजिटिवली इसको लिया गया। तो स्टिमुलस प्लस एकोमोडेटिव स्टैंड्स पॉलिसी मेकर्स का, लड़ाई का नहीं, ये दोनों मार्केट्स को काफी सांत्वना दे रहे हैं, कॉन्फिडेंस दे रहे हैं।